हाँ सर बताओ सर। सर, मेरी एक दिक्कत सर इसमें आ रही थी कि आप अगर निफ्टी का वीकली वो खोलें एक बार, मतलब निफ्टी का चार्ट खोल दें डेली पे, हाँ तो सर ये हमारी जो थी निफ्टी, इसमें हमारा बाय का हाइपो था, ये वीकली के अंदर रेंज के अंदर खुली थी। देखो, अगर लास्ट वीक ट्रेड करना था, मेरा लेवल से था, मानते हो? यस ये था ना लेवल्स। यस सर, बाद में ये वीक वन है, वीक टू है, वीक थ्री में हम ट्रेड कर रहे हैं, करेक्ट? वीक थ्री है। यस सर, जब वीक थ्री में मैं शुरू करने के लिए, तो मंडे ट्रेड करने के लिए लगा, ये तो सपोर्ट के ऊपर, इसके ऊपर, मतलब ये वीक वन के रेंज के ऊपर क्लोज होता है ना भाई, तो कोई कारण से यस नीचे नहीं होना चाहिए। यस यस जब वो मंडे ओपन हो गया तो समझ में आ गया भाई, ये कुछ भी हो, ये नीचे ही जाना है। ठीक है सर, मतलब ओके दो okay. से उठेगा। बाद में इसका जो भी सपोर्ट है यही है, 100% है। यस ओके सर, यस सर, अगर ऐसा है, हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि भाई इधर से सेल करके इधर बुक करे, यस सर, लेकिन खुला इधर इस टाइम। हाँ जी सर, उस दिन में हाँ, देखिए। अभी क्या हुआ है, अगर आप देखो, मतलब अगर इसको ऊपर जाना है ना भाई, ये लेवल को तोड़ के बाहर जाना चाहिए। यस मैं सर, ये कैंडल ओपन होते ही मैं बताया था कि भाई बाहर नहीं जाएगा, यस सर, रेजिस्टेंस है ऐसा। तो इसका रेंज ये होता है, यस इसको नोट करना है। अभी नेक्स्ट वीक के लिए अगर मुझे ट्रेड करना है तो, मतलब ये समझ में आ गया मुझे, ये वाला रेंज है, करेक्ट? इसने सपोर्ट को तोड़ के क्लोज हुआ है, करेक्ट? वीक क्लोज हुआ है, मानते हो? यस सर, यस सर, अभी मुझे ये तो कॉमन सेंस है कि भाई इधर एक सपोर्ट पड़ा हुआ है, यस सर, अगर गिरना है तो इसको ब्रेक करके नीचे गिरना पड़ेगा, है यस सर, यस ना? बाद में अगर इतना पता है, आपको ये भी पता है कि भाई 25 इधर किधर भी सपोर्ट नहीं जनरेट हुआ है, हुआ है क्या? नहीं सर, अभी सर, क्या मुझे, अरे भाई इधर रेजिस्टेंस जनरेट हुआ है क्या? हो गया सर, सपोर्ट जनरेट अभी तक हुआ है क्या? ठीक नहीं हो सर, हो गया, हाइपो तो सर सेल के ही है। ये समझ में आ रहा है ना, अभी तक का सपोर्ट खाना होगा, ये नहीं है, सपोर्ट नहीं है सर, जनरेट नहीं हुआ है सर, फंडामेंटली हुआ है क्या? नहीं सर, ओके चलो, अगर इतना है, जब ये ऊपर जा रहा था ना सर, ये ऊपर जा रहा था ना, हाँ जी, ये जब गिर आउट हुआ था, मैं बोला कि भाई ये नीचे नहीं गिरेगा, ऊपर ही जाना है, आपको यस ये समझ में आ गया भाई इधर एक सपोर्ट जनरेट हुआ था, यस सर, सर, मानते हो ना? बाद में इसमें यस रेजिस्टेंस बना हुआ था, यस यस सर, 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 आपको समझ में आ रहा है? इसको ब्रेकआउट कर दिया इसने, यस सर, ब्रेकआउट यस सर, करने के बाद इधर किधर भी इसने एक रेजिस्टेंस को नहीं बनाया, नहीं कराया सर, ऊपर इनफैक्ट ही बना है, इधर एक बनाया था क्या? इसका क्लोज, सॉरी, इसका क्लोजिंग ऊपर है, किधर भी क्लोजिंग नहीं बना था, इसका रेंज था कि भाई ये इधर रेजिस्टेंस को कंफर्म कर दिया, समझ में आ रहा है ना? ये ऊपर देखो, ये रेंज को, ये मतलब ये ऊपर गया, आपको पता है ये किधर तक जाना चाहिए, कोई वीकली हाई, वीकली या मंथली तक जाना चाहिए, तो लॉन्ग ही है भाई। ओके आपको पता है 18,300 कॉल खरीदने के लिए मैं बोला था, 18,300 यस ये तो ऊपर है, क्या उसके पहले कोई रेजिस्टेंस बन रहा है क्या? किधर भी नहीं बन रहा है क्या? अभी बना, बन गया सर, ओके चलो मैं इसको हटा रहा हूं अभी, ये रेंज हो गया ना सर पहला, यस ये रेंज के बाद अभी मुझे समझ में आ गया रेजिस्टेंस बना है सर, इसका टारगेट क्या है सर? अगर टारगेट नीचे तो अभी आया सर नीचे वाली रेंज ही है सर, सोलह इतना सात समझ सौ में आ रहा आठ है सौ क्या? यस सर, यही होता है मार्केट में, देखो हमको कोई तरीका नहीं है सर मार्केट को प्रेडिक्ट करने के लिए, मार्केट क्या है? मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, यस प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि भाई चांसेस ज्यादा क्या है, व्हाट इज द ज्यादा चांसेस, नीचे गिरना है ऊपर उठना है,
मुझे जो भी नॉलेज है, कॉमन सेंस है, उसको मिला के मैं एक स्टोरी बनाता हूँ कि भाई ये होना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि 16,700 प्रोडक्ट करना चाहिए, ऐसा रहा। यस सर, अगर ये होता है, मतलब ऐसा होता है, तो मुझे ये तो पता है कि भाई इसको ब्रेक करना पड़ेगा, यस सर, वीकली ग्लो है। हाँ, बाद में मुझे ये पता है कि भाई इसको ब्रेक करेगा क्यों। क्योंकि सपोर्ट नहीं बनाया सर यहाँ पे कोई। हाँ, अगर इतना पता है आपको, ये समझ में आ गया भाई। बाद में जब ये इसको पार करेगा ना भाई, मुझे तो मेरा कॉमन सेंस बोलता है कि भाई इधर एक लेवल है। नहीं है है सर इसमें सपोर्ट बनाना, इस रेड कैंडल क्या में बात कर रहे हो चाहिए भाई, रेजिस्टेंस। ये मंथली कहा नहीं सर, नहीं ये वाला, ये ओके व्हाट इज इट, मंथली कहा नहीं है। ठीक, मंथली का, ओके ठीक है ठीक हाँ, है ठीक अगर है। इसको ब्रेक कर दिया, मुझे तो 200% पता है कि भाई ये तो मतलब ये इधर तक आना ही है, मतलब सॉरी पहले तो ये बता है सर। यस सर, ये आपको दिख जाएगा लाइव मार्केट में, यस सर, ओके। यस सर। बाद में क्या है? आज के मोड पर सर, हाँ इसमें जैसे सर, इसमें निफ्टी में जैसे यहाँ पे ये नीचे गिरा था, उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनी थी, अगर यहाँ पे ये सपोर्ट क्रिएट कर देता तो हम ये सोच सकते थे कि ये सपोर्ट, हाई ब्रेक कर देगा। हाँ सपोर्ट है। देखो बाद में सेकंड सपोर्ट है सर, मैं अभी भी बताया आपको। देखो ये नीचे गिर रहा था ना, लो टूट रहा है, इधर भी लो टूटा है भाई। यस सर, लो टूटा है। इधर में एक सपोर्ट जनरेट हुआ है क्योंकि इसका लो नहीं टूटा है, करेक्ट सर? नो, इधर स्टॉप हो गया था ये कैंडल में। ये कैंडल का क्लोजिंग में एक इंपॉर्टेंट लाइन है, मुझे पता नहीं है वो सपोर्ट है रेजिस्टेंस है, क्या बनेगा मुझे पता नहीं है, ये उधर से वो ऊपर जा सकता है, ओके समझ में आ रहा है ना? ओके, बाद में मैं ये देख रहा हूँ, ये होने के बाद अगर ये लोस टूटना, ये सपोर्ट बनना चाहिए, क्या होगा? ये जो हाई है इसको ये ब्रेक करना टूटना चाहिए। पड़ेगा। क्यों है? अगर लो छूटना बंद हो गया तो हाई छूटना चाहिए ना, ये हाई छूट के बाहर जाना चाहिए, यस सर, वो भी नहीं हो रहा सर। नहीं हो रहा है तो ये लो नहीं है, यस सर, ये मतलब टूटेगा। ये बॉटम नहीं बनाया मतलब अभी नहीं तक। बनाया, वही तो बताया मैं, इस फंडामेंटल लेवल को ओके उसके जिगजैग डाल दो, ओके इसका ठीक मतलब है कि भाई जिगजैग इधर से आ रहा था ना, ये ऐसे उठने दिख रहा है मुझे, वॉट एवर इट इज। है। यस सर, बट एक्चुअल में ये उठ नहीं रहा, अभी ये रिट्रेस कर रहा है सर। और इतना समझ में आ गया, यही मार्केट है, क्योंकि हमें एक स्टोरी बनाना पड़ेगा, स्टोरी को मुझे ट्रेड करना पड़ेगा। अगर गलत भी हो गया मेरा एक स्टॉप लॉस होगा ना भाई, स्टॉक क्या दुनिया जाएगा मेरा। सारे लोग को इधर दिख रहा है, सर ओके। एक ये 23rd को सर कंफर्म ट्रेंड कैसे करते कि ये बुलिश ही रहेगा? मतलब ठीक है हमारे पास एक वीकली लेवल तो पड़ा था, तो या तो सिर्फ भाई जिगजैग यूज करें? वीकली लेवल इधर पड़ा हुआ था, ओके। यस सर, तो हमें ये होना चाहिए था कि ये वीकली, या तो ये वीकली लेवल को तोड़ के नीचे गिर रहा है तो फिर ये सेल हो रहा है। देखो ये क्या होता है, कुछ नहीं है, ट्रेंड अब ट्रेंड कर रहा है सर, ये लेवल था ना सर, व्हाट यस सर, इज द लो? 59 है सर ना, मैं एग्जैक्ट वही लेवल पे मार्क किया हूँ ये वाला सर ना। एक्चुअली हमें क्या होना चाहिए, ब्रेक इनसाइड ट्रेड करना था, इधर किधर भी रेजिस्टेंस डाल के नीचे इधर तक आ जाएगा, पहला हाँ टारगेट ये हाँ जी वाला, सर, ये खुला इधर, करेक्ट? अगर इधर से ऊपर जाता है यस नीचे गिरता है, मुझे ट्रेंड कंफर्मेशन करना पड़ेगा। अगर उधर को लाया उससे भी नीचे गिर सकता है ना, यस सर, गिर सकता है। गिर सकता है ऐसा ना, ये मतलब ओपन होते ही सटा सट ऊपर ऊपर गया। यस सर, यस गया। सर, मुझे कोई मौका नहीं दे रहा है कि भाई ये क्या कर रहा है, यस सर, ये वाला लेवल था ना, इसने इसको अपसाइड में इधर तक गए, लेके गया। यस सर, बाद में मैं जब इसको देख रहा हूँ, ये सारे इंटरमीडिएट लेवल है भाई, इधर तक आ गया, मुझे कोई मौका ही नहीं है ट्रेड करने का, समझ में आ रहा है ना? यस सर, बाद में जब ये हो गया भाई, ये समझ में आ गया भाई, ये अपसाइड में ये ब्रेक हो गया, अभी वो बात का बात है। हाँ, लेकिन गिर रहा है तो ब्रेक इनसाइड है यस ये सब, गिरना है तो ब्रेक इन साइड है, सर, अगर उठना है तो ब्रेक ब्रेक आउट है, इनसाइड, करेक्ट? ब्रेकआउट है। अगर मुझे बाई भी करना है तो ब्रेक आउट है। ब्रेक आउट कौन सा लेवल को करेगा भाई, ये जो लो था ये वाला था, इसके लोग करेक्ट? को
ये लो था ना, ये मेरा इम्पोर्ट लेवल है। बैकग्राउंड नॉइज़ को हटाना भाई, क्या है सर ये लेवल को ब्रेक कर सकता है ना भाई? यस सर। अभिषेक यस सेटो, किसी का ये आ रहा है सेटो, यूवर्स लॉस म्यूटेड मैन। ओके सर, ये लेवल को ब्रेक करना, मेरे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है ना सर? यस सर। अगर गिरना है तो मुझे इधर टर्न करना ऑपरेशन करना पड़ेगा, उठना है तो इधर टर्न करना ऑपरेशन करना, अगर गिरना है तो किसे टर्न करना ऑपरेशन करूंगा मैं? ये इधर से टूट के टूट के टूट के इधर तक आ रहा है। यस सर। ये वाला लो सर, नो जैसे बना ना सर, ये स्विंग लो को इसने ब्रेक कर दिया। अभी क्या होना चाहिए, ये जब उठते समय ये हाई को ब्रेक करने से पहले ये लो लो बनना चाहिए। ये तो ऐसे कर दिया, इसका मतलब इधर एक सपोर्ट जनरेट हो गया। ठीक है सर। ओके सेम चीज को अगर मैं सपोर्ट को मॉनिटर करना चाहता हूँ, ओके सपोर्ट कैसे होता है भाई? पहले बार इसको नीचे ब्रेक किया ना मैं, यस कर दिया, पहली बार ऐसे गया, जब नीचे आया पहली बार ये जो लेवल को ऐसे टूटा है, करेक्ट? नहीं है, यस सर टूटा, मतलब ऐसे गया ना स्विंग। मुझे रेजिस्टेंस तो ऐसे आऊंगा, सपोर्ट तो ऐसे आऊंगा नीचे से, रेजिस्टेंस तो ऊपर। ओके चलो, अगर ऐसे इसने के बाद ऐसे हो गया, इनफैक्ट ये लो लो है, इसको कंसिडर नहीं कर सकता हूँ, हायर हाई इधर नहीं होना, ये रेड कैंडल है। देखिए जाके ये लो है, ये हाई है, इसने इसको ब्रेक कर दिया। Yes. अभी क्या इसने अपसाइड में ये स्विंग को ब्रेक कर दिया कि भाई इसमें सपोर्ट जनरेट हो रहा है? ओके ठीक है, समझ में नहीं आ रहा क्या? आ रहा है तो कभी करो, आपके साथ आपका सब कुछ है, आपके पास वीडियोस पड़ा हुआ है, टाइम देना चाहिए, अगर कोई चीज चाहिए उसके पीछे भागना चाहिए। अगर सारा डिस्कस करने के बाद आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, आपको पहले वीडियो देखना, प्रैक्टिस करना, समझ में आ जाएगा। ये ऐसा कोई चीज नहीं है समझ में नहीं आएगा, और उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है, यू हैव टू डिस्कस विद योर एनालिस्ट ग्रुप में। ये मतलब मजाक लेने के लिए, किसी को ह्यूमिलेट करने के लिए नहीं है। अगर कोई दिक्कत में है उनको हेल्प करो, फर्स्ट बिकम अ ह्यूमन बीइंग। कोई गलत या राइट कोई नहीं है मार्केट से, हम कौन है के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू बिकम अ ह्यूमन बीइंग बॉस, डोंट ह्यूमिलेट एनीबॉडी। मैं देखता हूँ क्या सकासम में बात करते हो ग्रुप में, ऐसा मत करो भाई। क्या आपको बच्चे को यही सिखाते हो आप? डोंट टेक मी रॉन्ग, मतलब ट्रेडिंग तो सेकंड चीज है भाई, फर्स्ट यू शुड बिकम अ ह्यूमन बीइंग। ओके इफ यू आर इडियट, इवन आवर चिल्ड्रन विल बिकम इडियट। Same thing you teach your teacher, student, your children also. कोई गलती होता है किससे, कोई कुछ बोल देता है, गलती होता है, माफ करना भाई। First become a human being. If he is wrong, try to make him right. सकते समय बात करते हैं, गलत है भाई, मतलब ये मत करना। क्या सीखो भाई स्कूल में आप? सबको नहीं बोल रहा हूँ मैं, this come from your school and family. गलत लेते हो तो ले लो, नो प्रॉब्लम। हाँ और क्या है प्रॉब्लम? ओके सर, जो मुझे एंट्री नहीं मिली थी सर, एक हाँ, तो अपोलो एचडीएफसी, हाँ अपोलो हाँ, में मिली थी, एक एचडीएफसी लाइफ और कोटक बैंक में, इन तीन दे मुझे एंट्री नहीं मिली थी, पर उनमें मूवमेंट बहुत अच्छा आया था। तो दिक्कत सर ये दिन पे ना, कौन सा दिन पे सर? सर ये
ये दिन पे। यस, ये वाला 24th ओके को टेल मी व्हाई योर हाइपो इज बाय। सर। इसमें एक्चुअली मेरा हाइपो इसमें बाय इसलिए था क्योंकि इसकी जो सी वीकली क्लोजिंग थी ना वो रेंज के अंदर थी और निफ्टी और उसके सेक्टर की वीकली क्लोजिंग बाहर थी। ओके बाय करना था ना आपको। हाँ, ये मेरे को बाय करना था सर। इसमें मेरा एक और डाउट है, एक इसमें ना मिनट पोजीशन कौन सी थी इसकी, वो बनी थी 12th को बनी थी इसमें पोजीशंस, तो ये पोजीशंस के नीचे चल रहा था तो 3G मेरे को बाय बता रहा था, तो मैं इसको बाय कर सकता हूँ मतलब। तो देखो प्राइस तो इधर बना था मानते हो, यस सर, इधर पोजीशंस आई थी इसकी। इसको इसने छोड़ा है ना, यस सर, छोड़ दिया था। छोड़ दिया ना। अगर ये अगर नीचे गिरना है तो लो लो बना के नीचे गिरना चाहिए, यस सर, गिरना चाहिए। मतलब इधर ये लो भी ब्रेक कर दिया लेकिन अंदर आके क्लोज हो गया, करेक्ट। यस सर, बट ये दिन में मुझे समझ में गया, मतलब ये दिन में आप ट्रेड कर रहे हो, इसका मतलब है ये आके अंदर आके क्लोज हो गया ना, मतलब ये जो भी थे, इसका मतलब है इधर जो लो भी लो को शॉर्ट्स टच है कर। यस सर, हाँ इसको कवर किया होगा ये दिन पे। आई कैन ट्रेड जी, फ्रॉम टू लेवल सर, टारगेट ज्यादा नहीं है कि भाई ये जो हाईएस्ट पोजीशन बना था उधर ही है। यस सर, हाँ। हाँ मतलब ओवरऑल, नहीं तो हमें ट्रेंडिंग पता कैंडल है। लगा लो सर। हाँ यू कैन यूज दैट ऑल्सो। अभी देखो आपको ये दिन पे आपको क्या करना है, व्हाट ट्रेड यू हैव टू डू। अगर बाई करना है तो आप बाई इसलिए कर रहे हैं कि भाई ऐसे नहीं है कि 4000 पे है अभी, ये 8000 में जाएगा, क्या 2% या हाँ 3% मिलेगा क्या वो दिन पे, उसके लिए तो गैप है ना भाई, इसमें रेंज इधर तक जा सकता है जी, ना। यस सर, हाँ उधर तक का आप ट्रेड करना चाह रहे हो, फाइन। आपको क्या ट्रेड करना है, ब्रेक इन साइड ब्रेकआउट, ब्रेक ब्रेकआउट करना। ब्रेकआउट करना है। यस सर, ओके ब्रेकआउट कौन सा लेवल को कर सकता है, क्या ये लेवल को कर सकता है? यस सर, इसके लेवल को कर सकता हूँ। इनफैक्ट ये मेरा टेक्निकल लेवल है, करेक्ट, हाई है। इनफैक्ट यस इसमें जो सर, शॉर्ट्स बने थे, नहीं हाँ जी तो सर, इसका जो इंपॉर्टेंट कैंडल है इसी को ब्रेकआउट करेगा ये 27। यस सर, मैं सिर्फ लेवल्स को दिखा रहा हूँ आपको, 22nd है ना ये सब ना। इसमें जब 22nd था तो इसका मतलब है इधर किधर भी ये लो बनाया था, ये इसका इंपॉर्टेंट कैंडल था ना सर, मतलब हाँ यस सर, इसने इसको ब्रेकआउट किया था ये दिन पे, मतलब इसके ऊपर ये लो स्ट्रक्चर तो लो लो था ये यस, सर। हाँ अगर ऊपर आपने लो देखा था। तो लास्ट शॉट भी यही बना था, इसी को ब्रेकआउट किया था। सेल तो ट्रेड नहीं है उधर वो दिन पे, ये दिन पे मुझे ये दिन पे ट्रेड यस करना है ना, यस सर, हायर है ये, ब्रेकआउट ट्रेड करना है क्या, ये हाई को मैं ब्रेकआउट कर सकता हूँ क्या? यस सर, कर सकते हैं सर, ओके फाइन, अगर ऐसा है उसके नीचे खुला है ना सर, यस सर, अगर नीचे खुला है तो ये रेजिस्टेंस होना चाहिए, यस सर, ये नीचे गिरना चाहिए, मतलब अगर गिरना है तो, मतलब रेजिस्टेंस से नीचे गिरता है ना स्टॉक से, यस सर, आपको यस ये सर, पता है क्या ये रेजिस्टेंस से बोल के? हाँ यस सर, पता है सर, यस पता सर, सर, है, तो इसने क्या किया नीचे किया ना। हाँ जी, ओके नीचे खोला इसने, ऊपर भी गया, ब्रेकआउट कर दिया इसका। हाँ ओके नो ओके लो छोड़ दो भाई, मैं ट्रेंड कंफर्मेशन कर रहा हूँ। ओके क्या जब ये हाई मारा इसने ये लो तक आया, देखो ये लो तक आया, आया मैं सर, आई ने आया, क्या इधर तक मैं मार कर सकता हूँ रेंज, यस सर, क्या इसने अपसाइड ब्रेक किया या डाउन साइड ब्रेक किया? अपसाइड ब्रेक कर दिया सर, आपको ये समझ में आ गया, इधर से आपको जो भी करना है ये अपसाइड हो गया मतलब। यस सर, हाँ चलो इसको हटा रहा हूँ मैं, अब एंट्री एंट्री करना है ना आपको, यस सर, एंट्री करना, ये वाला है करेक्ट, इंपॉर्टेंट लेवल। तो ये इधर से नीचे मतलब ये से आ रहा है करेक्ट, ये यस वाला सर, इसका मतलब है कि भाई ये इसका रेंज था करेक्ट। यस सर, ओके मुझे ये बताओ इधर किधर पे आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस कुछ दिख रहा है क्या? सर इसमें सर नहीं है सर, इसमें सपोर्ट है, सपोर्ट नहीं है, है, सपोर्ट है, इसमें रेजिस्टेंस नहीं है मुझे बताओ भाई किधर है। सर, इसकी सपोर्ट जोन से आप देखिए, ये रेड कैंडल और इसमें ग्रीन कैंडल में बनी है, सर इधर सपोर्ट है क्या? यस सर, इस नहीं, मेरे ख्याल से इसकी, इसका सर ओपनिंग देखना, ओपनिंग के, हाँ इसका लो है ओपनिंग, 90, इसका ओपनिंग है 90, लो नीचे जा के अंदर आ गए भाई, सपोर्ट हाँ जी सर, ये सर, है ना। क्या मैं ये बोल यस सकता सर, हूँ कि भाई ये मेरा रेजिस्टेंस यस सर, है? हाँ क्या आप इधर पोजीशन ले सकते हो जो भी स्टॉप लॉस है इसके नीचे?
सर पर ये रिट्रेस नहीं हुआ था ना बात, जब इसने तो ब्रेक कर दिया था आगे, फिर ये रिट्रेस नहीं हुआ था, मतलब इसको ब्रेक मेरे किया तो यहाँ था लिमिट, हाँ सर जी सर लिमिट आपको। लगा। नहीं नहीं सुना सुना सर 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 मैं एक चीज बताऊं सर, एक एक चीज मिनट मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा सर। इसको रजिस्टर इधर बना था ना, ठीक है सर, इसने इधर ब्रेकआउट कर दिया ना, विद वॉल्यूम में ब्रेकआउट कर दिया। आप ये यस लेवल को ब्रेक यस कर सक करके इसका नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। बाद में ये रेजिस्टेंस बना कि आपको दिख रहा है कि भाई इधर भी एक रेजिस्टेंस बना था, यस सर, बना था इधर भी, हाँ जी उधर बना था ना। यस सर, बना था। हाँ, ये रेजिस्टेंस हो गया। बाद में क्या, ये भी एक रेजिस्टेंस है करेक्ट, ये इस जोन में आपका एंट्री बनता है। ओके बाद में अगर आप इतना प्रेशर देखें कि इतना कोई कैंडल्स नहीं बनाया करेक्ट, ये बोला था ना सर। यस अगर मैं यही चीज को 3 मिनट या 1 मिनट में देखता हूँ, क्या ये लेवल पे कोई जिगजैग बनेगा क्या? इसका मतलब है कि भाई इधर तक ए से आके नहीं कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि कोई लेवल नहीं है उधर। ओके ये जो स्विंग बना था ये रेजिस्टेंस को अपसाइड में तोड़ रहा है करेक्ट, ये वाला ना, ये जो रेजिस्टेंस सर है इसने, ये जो रेजिस्टेंस लेवल था इसको आपने ये देख हुआ कि अपसेट में ब्रेक कर रहा है करेक्ट, ये सब ना। ये बोल के यस अगर सर मान लो इधर किधर भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिला ट्रेड करने के लिए, ओके यस आप ये लेवल से भी, ये जोन में भी आपको ट्रेड कर सकते हो। आपको किसको ट्रेड करना था, रेजिस्टेंस को, सपोर्ट को? क्या ये लेवल ब्रेक सर करने से ट्रेड कर सकते थे? एक सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस है, इस यहाँ सर, ट्रेड यहाँ कर मैंने लो। इसलिए नहीं किया, मैं कह इतना मूवमेंट आ गया है तो फिर अभी, नहीं क्योंकि नहीं एक तो नहीं ये ऐसा नहीं है भाई लिक्विडिटी भी सर, नीचे। देखो क्या हो गया सर इसमें, इसका आदत देखना, ये मेरा रेजिस्टेंस था ना, मानते हो? यस इसने क्या किया सर, ये जो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया ना, यस ये कैंडल में क्या आदत आ गया, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करना आदत आ गया करेक्ट। इधर किधर भी यस रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करके ऊपर जाने का ही वो आदत रखेगा। ओके यू कैन टेक अ ट्रेड, नो प्रॉब्लम। हाँ अगर मान लो आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं है ना, ये सारे आपको विद एक्सपीरियंस आ जाएगा। अगर मान लो इधर आपने एंट्री भी किया, ओके स्टॉप लॉस तो यस पता है इसके नीचे नहीं आना चाहिए, सर ओके आप ट्रेड ले लो। अगर मान लो स्टॉप लॉस भी हो गया, हाँ यस सर कुछ नहीं जाने वाला है, ओके ठीक एक ट्रेड में एक स्टॉप लॉस जा रहा है, आप जो भी स्टॉप लॉस है वो वाला। बाद में अगर इधर से उठ रहा है ना सर, यस सर ये इधर से उठ रहा है ना, यस सर इसको ब्रेक करना चाहिए। यू हाँ जी कैन सर टेक अ ट्रेड फ्रॉम देयर ऑल्सो, इनफैक्ट जो हमने मार्क किया है ना अभी, वही लेवल था क्या, उसी के ऊपर आप ट्रेड ले लो। यू कैन टेक अ ट्रेड फ्रॉम हियर आल्सो, क्योंकि दिस विल बिकम अ रेजिस्टेंस राइट। यस इसमें रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का आदत आ गया, इधर इसको ब्रेक कर दिया, ये इसको भी ब्रेक करेगा। ओके सो यू नो एंट्री मेथड, सो ठीक यू कैन यूज द एंट्री मेथड, सपोर्ट रेजिस्टेंस यू कैन यूज अलोंग विद 3G विद द ट्रेंड कंफर्मेशन। बस सर, ये एंट्री कंफर्म नहीं हो रही थी, बाकी तो सब अभी मतलब समझ में बाद आ में गया क्या, देखते हैं ना। हाँ अभी आया समझ सर में आ थोड़ा गया? बहुत। ओके इनफैक्ट अगर मैं इसको करना चाहता हूँ, मैं इसमें बाई ट्रेड नहीं करता हूँ, ओके करो क्या सर भाई, जब इधर रेजिस्टेंस मतलब बना था ना, यस सर ये किधर भी सपोर्ट नहीं बना था, यस किधर भी सपोर्ट नहीं बना था, सपोर्ट बना है क्या किधर भी, नहीं बना था सर, इधर उसी दिन बना बना था। ठीक है ये दिन में मुझे समझ में आ गया कि भाई इधर बना है। ओके यस वो किधर से भी फटाक से नीचे गिर सकता है, लेकिन हाँ योर ट्रेडिंग विद 3G नो प्रॉब्लम। जो सेल करने का स्टॉक्स थे उसको सेल कर लो भाई, तो मार्केट को ये वीक में भाई का सोचना ही नहीं था मुझे। यस सर सर आयशर मोटर कब सेल कर सकते इसे मोटर्स, यस सर
देखो इसमें कुछ नहीं है, ये हाईस ब्रेक कर रहा है, सर। इधर हाईस टूटना बंद हो गया, इसका मतलब है इधर एक रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है एक कैंडल में, हाँ जी सर। है ना। नेक्स्ट डे इसने को टूटा, उसका बिहेवियर देखो, बिहेवियर देख रहा हूँ ना भाई, ये दिन पे एक्चुअली ये इधर से सर गिरना चाहिए था, इसी को सपोर्ट बनाने को गया ना भाई। सर नेक्स्ट डे में ये समझ में रहा है ना, नेक्स्ट डे वो रेजिस्टेंस के नीचे खुला, जो भी होना चाहिए हो रहा है। ओके फाइन, हमने अभी तक जो भी सीखा है इसके हिसाब से इधर एक सपोर्ट सर है ना। हाँ, अभी ये ये जो मेन कैंडल में है ना बना सर। है, इधर एक रेसिस बना है, हाँ ये ये रेंज बना है अभी, उसका पहले का हाँ जी अगर हाँ मैं देखूं, ओके, ये मतलब ये ऊपर उठ रहा है, किधर भी सपोर्ट, इधर किधर भी सपोर्ट बनाया होगा, अभी तक का रेजिस्टेंस नहीं बना है, ये कैंडल में बना हुआ था। ये कैंडल में रेजिस्टेंस नहीं है सर, लास्ट दो कैंडल में भी रजिस्ट्रेशन हो गया सर। लास्ट दो कैंडल में ये भाई, हाँ जी अब बनाया ना ये तो भाई, इसका बदतर होना, ये दोनों में नहीं हुआ, इन दोनों में भी है सर। हाँ आया ना। जी हाँ जी सर। जब भी इसको ट्रेड करता हूँ मुझे पता था क्या ये होगा बोल के, तो नहीं सर मुझे ये लेवल को यूज करना पड़ेगा ना। ये कौन सा दिन था, 1908 करेक्ट, 1908 है ना सर। सर चलो मैं ये देख रहा हूँ इसका जो भी, देखो ट्रेंड का नहीं देख रहा हूँ, इसका बीच का जो भी हाईएस्ट वॉल्यूम है ये वाला है क्या, वही है ना, सर को तोड़ के ये बाहर ब्रेकआउट दिया था करेक्ट, अंदर खुला सर नीचे एक गया है। हाँ, अगर इंटरडे आपको ये करना है, यू वांट टू यूज द इंटरडे लेवल्स, ये हायर आई था ना सर, हाँ जी सर क्या करना चाहिए, ब्रेकआउट या ब्रेक इन साइड सेल करना है तो? ब्रेकआउट करेंगे सर। ब्रेकआउट को क्या फंडामेंटल लेवल्स को करेगा ना भाई, हाँ जी सर इसका मतलब है ये वाला लेवल है लास्ट बायस बने थे, हाँ जी सर उसके नीचे तो हो गया, अगर ऐसा हो गया तो मुझे पता है कि भाई इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा, इसको हाँ जी इसी को सर ब्रेकआउट करना है ना सर। हाँ जी हाँ जी फाइन, यही लेवल था। हाँ फाइन, अगर इसमें ट्रेंड कंफर्मेशन करना है तो आपको पता है क्या मतलब कैसे करना है? तो सर अपने जैसा कॉन्फिडेंस ला दो ना सर, नहीं एग्जाम्स की तरह। आप, हाँ अगर करना है तो रात दिन रात आपको प्रैक्टिस करना है, ऐसे नहीं है 9 o'clock सो जाना, 8 बजे उठाना, ऐसा वो तो नहीं होगा। आज संडे है ना भाई, आज एक ही दिन है, 8 o'clock में तक सो गया था मैंने, क्या मैं पंडित हूँ क्या, सब कुछ पता है मुझे, नहीं है नहीं ना, सही नहीं है क्या, नहीं है ना भाई, मुझे भी प्रैक्टिस करना है ना, सर हमें भी 1 lakh 2 lakh 10 lakh का प्रॉफिट बनना है ना एक दिन में, बनाए नहीं बनाना सर है, नहीं बनाना है भाई, बनाना है ना, हाँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा अभी, सो जाओ बैठ के, वही सैटरडे हो गया, संडे हो गया, वीकेंड है। हाँ मुझे पता है लास्ट वीक से जी मैं क्या मेरा दिमाग में चल रहा है। ओके ओके, जब तक हाँ इतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई, मतलब किसी के पीछे भागना पड़ेगा। ओके हाँ, सर क्या मैं अभी 5 लाख का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता इंटरडे के लिए? सर कल कल भी तो इसको शॉर्ट किया जा सकता। इसको कर सकते थे ना भाई, शॉर्ट कर सकते थे ना, कैसे नहीं मतलब जब सोमवार को मंडे को मंडे को मंडे, आपको पता है अभी, आप बता दो ये स्पोर्ट ब्रेक सपोर्ट करे तो क्या आ गया सर, सब ब्रेक करेगा तभी ओके। रेजिस्टेंस। इसमें एक गंदी बात हो सकता है, क्या है,
ये सपोर्ट को इसने ब्रेक नहीं किया ना, अगर इतना है तो सपोर्ट को इसने यही दिन पे ब्रेक करना चाहिए था। सर ये वीकली लोग भी तो हो गया। एक मिनट सर, ये मतलब ये दिन पे ये ब्रेक करना चाहिए था, ओके ये दिन पे इसको ब्रेक करना चाहिए था, ओके यस सर। ये क्या करेगा अगर मान लो गैप डाउन होता है, ओके यस सर, ये लेवल पे मुझे ट्रेंड कंफर्मेशन चाहिए, ये दो लेवल पे मुझे सेल करना है तो जिगजैग नीचे बनना चाहिए, नहीं तो ये क्या करेगा सटक से अंदर आ जाएगा। ठीक है समझ में आ रहा है, अगर मैं इसको दिखाता हूँ अभी तो कुछ आपको करना है चीजों के। ये वाला ओके, अगर मान लो अगर मैं इधर रेजिस्टेंस बनाता, इधर सपोर्ट 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 इधर बना है, मानते हो? यस सर। ये दोनों में अगर ये रेंज हो गया, देखो मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, हाँ ये वाला अगर मान लो सेल साइड में देख रहे हैं ना, इसने इसको ब्रेक नहीं किया है। यस सर। देखो ये बाहर जाने का कोशिश तो अंदर नहीं आ गया। हाँ जी सर, वही चीज इधर हो सकता है, ये जो सपोर्ट है ये जो सपोर्ट है ना, ये सर कल वॉल्यूम भी तो बढ़ा है इसका, वॉल्यूम बढ़ा है, फाइन ये कंफर्म करना है कि मैं अगर वॉल्यूम बढ़ाए तो ये लेवल को तोड़ के नीचे गिरना चाहिए था ना। हाँ जी सर, नहीं तो क्या करेगा कूलर प्रीवियस डे से तो नीचे ही है सर। हाँ प्रीवियस डे से तो नीचे ही है सर। ये सर क्या है, मुझे ट्रेड करना है, ये मतलब ये अलाइन हुआ है, मुझे पता है मुझे ब्रेक इनसाइड ट्रेड करना है ना, सेल करना है, तो ये तो कल हो गया ना सर, मैं तो कल के लिए कह रहा हूँ, वही मंडे के लिए कह रहा हूँ। एक मिनट, मंडे के लिए जो ट्रेड करना है मुझे ब्रेक इनसाइड ट्रेड करना है ना। हाँ जी सर, अगर ब्रेक इनसाइड ट्रेड करना है तो मुझे रेजिस्टेंस से सेल करना पड़ेगा ना भाई, इसका मतलब है हाई yes, सर। अगर ये गैप डाउन हो गया, ये सस्ता नहीं हो गया, मतलब क्या हाई से सेल कर रहा हूँ? यस सर यस, ठीक है ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखो ये क्या है, अच्छा ये लेवल को ट्रेड करना था, ओके ये मेरा टारगेट था ना भाई, ये लेवल से ना जब इसको सेल करना चाह रहा था मैंने, ये सर नो यस सर, रेजिस्टेंस से सेल करके इसका टारगेट ये होता है, अगर खुलते ही उधर खुला तो क्या करें, टारगेट हो गया सर। हाँ तो ये थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है ना, ये खुल सकता है गैप डाउन, गैप डाउन खुल सकता है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कोई ना कोई एक रेजिस्टेंस बने पहले। ठीक है सर, इसका मतलब है मुझे पता है ये कौन सा है सपोर्ट, ये सपोर्ट है ना, यस सर ये सपोर्ट है, इधर रेजिस्टेंस बने, नहीं तो ये कल का लो है, यस सर ये सपोर्ट बने, बाद में ये गिर जाए, ट्रेड मिल जाएगा बाद में, जब ये हो गया आपको पता है कि भाई लेवल होनी चाहिए, करेक्ट? हाँ जी सर, लेवल तो बहुत नीचे है, ओके क्योंकि ये स्ट्रक्चर भी हायर आई है कुछ। हाँ Okay. सर कल ये सपोर्ट के नीचे खुल के रेजिस्टेंस बनाता है तो सेल तो किया जा सकता। हाँ सर तो करना सेल ही है ना भाई, भाई करोगे अभी अभी निफ्टी को देखे, निफ्टी को बात नहीं किया, निफ्टी क्या होना चाहिए, सेल होना चाहिए सर, ये था ना लेवल, यस सर निफ्टी का लेवल इधर तक खुला है ना भाई, यस सर जब खुला है तो मुझे पता है ये सारे हर्डल्स है, करेक्ट? मंथली का लो, वीकली का लो, जब ये इधर इस तरफ जा रहा है क्या मतलब ये ऊपर जाएगा, ठीक है ना? मेरे को तो ये था सर कि ये हाई के ऊपर वॉल्यूम भी आया और स्टॉक नीचे गिर के भी बंद हुआ है, इस वजह से गिरना भी चाहिए। अगर आप देखो अभी तक का जो भी हाईएस्ट वॉल्यूम है ये वाला, ये इसका टारगेट है पहला मंडे 3267, ये सपोर्ट को तोड़ा तो समझ में आ रहा है ना? यस सर, ये हाईएस्ट वाला है ना मंथ का पोजीशन, इधर ही बना है अलाइनमेंट के ऊपर है, गिर रहा है तो पहले स्टॉपेज ये वाला है ना,
नहीं है यस सर। वो चीज देख लेना, अच्छे तरीके से स्टडी करो भाई, जान लगाना है तभी ये हो सकता है। कोई चीज से उसके पीछे भागना है आपको। सर एक मतलब एक ऐसी क्वेश्चन था कि जब भी हमारी पोजीशंस वगैरह बनती हैं स्टॉक्स में तो प्राइस फर्स्ट क्यों जाता है, मतलब अगर पोजीशन वाइज की बनी तो उसे अगले दिन ही मतलब काफी अच्छी बाइंग आनी चाहिए इसमें, मैक्सिमम टाइम देखते हैं सर। नहीं अब प्राइस क्यों बचता है मैं बताता हूँ। देखो अगर सेल कर रहे हो ना भाई यस, उसमें बाइंग आना चाहिए पहले। इसका मतलब है मुझे कोई एक स्टॉक बताया तो मैं उसमें बता सकता हूँ, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में उसको बताता हूँ। इसी में बता दो या अपोलो हॉस्पिटल में बता दो। ओके एक कैंडल, अगर इसमें मूवमेंट आ गया है ना भाई, इसमें डाउन साइड में तो एक 1.5% पर 2% का मूवमेंट है, करेक्ट? ठीक है सर। अभी देखो डेली का कैंडल में स्ट्रेट लाइन में नीचे गिरा है, देखो अपोलो में 3 मिनट्स बचा है भाई, टाइम चाहिए। नेक्स्ट वीक में करेंगे इसको, तो इसने हाई इधर किधर भी बना था, ये वाला हाई उसका पहले जो टूटा था ये वाला सर, इसके नीचे इसका सेलिंग आता है सर, समझ में आ रहा है ना? देखो वो लास्ट वायर्स है, देखो इसलिए उधर ही रुका है। अगर नीचे नीचे खुला हिट करेगा नीचे करेगा, क्योंकि लास्ट वायर उधर ही पड़ा हुआ है। ओके अगर सेल करना है तो वही लेवल से सेल होगा, वो चीज को मैं बताता हूँ इसको मंडे। ओके नेक्स्ट क्लास में मैं इसको बताता हूँ, कोशिश करो हो जाएगा। ओके अच्छा स्टॉक्स को ढूंढो, फंडामेंटली जो किया है उसमें आपको मिलना चाहिए, ठीक है? ओके नहीं तो उसको बता दो क्या अभी और एक सेशन करें क्या? कोई नहीं सर, नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट वीक में करेंगे। ओके अभी टाइम मतलब थोड़ा और होगा, हां नेक्स्ट वीक में करेंगे। ओके ठीक कोई स्टॉक में यू कैन टेक अप एनी एग्जांपल, लास्ट फ्राइडे में एक एंट्री मेथड बताया था सर रिलायंस में, है ना? जिगजैग में एंट्री लिया था ना मैं इसमें रिलायंस में। अगर वो वीडियो फुल देखा ना आपने, मैं उसमें बताया हूँ अगर इधर तक नहीं आता रिट्रेस नहीं करेगा इसमें मूवमेंट नहीं आएगा आज, इसलिए वो 2633 पे आना चाहिए था, 38 पे आना चाहिए था, कभी भी उसको टच नहीं। उसका मतलब है वो दिन पे अच्छा मूवमेंट नहीं आता है। ओके एक्चुअली सेल होने से पहले बाइंग आना चाहिए, वो क्या बताता हूँ आपको, बताए वीडियो में बताता हूँ लेकिन आप प्रैक्टिकली देखेंगे। स्टॉक्स को मॉनिटर करो, मैं ऑप्शन ट्रेड ऑप्शन क्लास का मैं डेट्स बता देता हूं। ओके 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 ये वीडियो सेंड कर दूंगा ग्रुप में, हां ऑप्शन क्लास का डेट्स मैं बताता हूं ये वीक में। ओके ओके यस सर, टेक केयर सर, थैंक यू सर, थैंक यू।